इसी तरह खड़ी पट्टी पर आपके सामने और पीछे की कुर्सियों को क्रमशः धन एक धन दो धन तीन धन चार और ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ऋण चार की कुर्सियां कह सकते हैं। क्या हम सभा कक्ष में रखी कुर्सियों की कतारों को भी नाम दे सकते हैं? यदि हम कुर्सियों की खड़ी कतारों को स्तंभ तथा आड़ी कतारों को पंक्ति कहें तो आप कह सकेंगे कि आपकी कुर्सी के नीचे से जाने वाली खड़ी पट्टी एक स्तंभ है जो आड़ी संख्या रेखा के शून्य से गुजरती है। आपके दाईं ओर के सभी स्तंभ आड़ी संख्या रेखा के क्रमशः धन एक धन दो धन तीन धन चार आदि से गुजरते हैं। इन्हें हम धन एक स्तंभ धन दो स्तंभ धन तीन स्तंभ कहेंगे। इसी तरह बाईं ओर के स्तंभों को क्रमशः ऋण एक स्तंभ ऋण दो स्तंभ और ऋण तीन स्तंभ कहेंगे। आपकी कुर्सी के नीचे से जाने वाली खड़ी पट्टी को क्या कहेंगे? स्पष्ट है, इसे आप शून्य स्तंभ कहेंगे। ठीक इसी तरह आड़ी पट्टी शून्य पंक्ति और इसके ऊपर की पंक्तियाँ धन एक पंक्ति धन दो पंक्ति धन तीन पंक्ति तथा नीचे की पंक्तियाँ ऋण एक पंक्ति ऋण दो पंक्ति ऋण तीन पंक्ति कहलाएंगी। आपके मित्र ए बी सी डी और ई सभी आपके पास हॉल के बीच में ही खड़े हैं और उन्हें अपने लिए निर्धारित कुर्सियों पर जाना है। उनके स्थान चित्र 7 में दिखाए गए हैं, आइए उन्हें उनकी जगह बताएं। ए का स्थान स्तंभ 2 पंक्ति 3 पर रखी कुर्सी, बी का स्थान स्तंभ 2 पंक्ति ऋण 2 पर रखी कुर्सी, सी का स्थान स्तंभ ऋण 3 पंक्ति ऋण 3 पर रखी कुर्सी, डी का स्थान स्तंभ ऋण 4 पंक्ति 0 पर रखी कुर्सी, ई का स्थान स्तंभ 0 पंक्ति 2 पर रखी कुर्सी। सोचें और चर्चा करें, आपकी कुर्सी किस जगह पर है? करके देखें। एक बगीचे में आड़ी और खड़ी कतारों में पौधे लगे हुए हैं, उन्हें स्तंभों और पंक्तियों में दिखाया गया है। एल एम ओ और पी एल एम ओ और पी क्रमशः नींबू आम संतरे और पपीते को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इनके स्थान हमें स्तंभों और पंक्तियों के रूप में लिखने हैं। तो आइए देखें यहाँ कहाँ कहाँ नींबू आम संतरे और पपीते के पौधे लगे हुए हैं। इन्हें देखें और ये बताएं कि वो कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में हैं। सबसे पहले हम नींबू के पौधों को देखें। आप देखिए यहाँ पर आपको एल दिख रहा है, यानी ये एक नींबू का पौधा है। अब यहाँ हमको देखना है कि वह स्तंभ कौन सा है और पंक्ति कौन सी है। आप एक बार देखिए, ये जो बना हुआ है एक आड़ी लाइन बनी हुई है और एक खड़ी लाइन बनी हुई है बीच में। इस खड़ी लाइन को जो ठीक बीच में है इसको हम जीरो स्तंभ कह रहे हैं। ये स्तंभ धन एक है, ये स्तंभ धन दो है, ये स्तंभ धन तीन है और ये स्तंभ धन चार है। अब इस तरफ देखिए, इस लाइन की बाईं ओर हम यहाँ भी हम स्तंभों के नाम दिए हैं, लेकिन यहाँ पर स्तंभों के नाम क्रमशः ऋण एक ऋण दो ऋण तीन और ऋण चार हैं। तो ये तो सारे स्तंभ हो गए जो हमने यहाँ पर धन एक धन दो धन तीन धन चार और ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ऋण चार से प्रदर्शित किया। जीरो स्तंभ भी है यहाँ पर। इसी तरह से आप देखेंगे ये जो आड़ी लाइनें हैं वो पंक्तियों को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक बीच की जो आड़ी लाइन है उसे हम शून्य पंक्ति कह रहे हैं और इसके ऊपर जो पंक्तियां बनी हुई हैं उनके लिए हम क्रमशः धन एक पंक्ति धन दो पंक्ति और धन तीन पंक्ति कह रहे हैं। ठीक इसी तरह से इस बीच वाली पंक्ति के नीचे जो पंक्तियां हैं इन्हें हम क्रमशः ऋण एक पंक्ति ऋण दो पंक्ति और ऋण तीन पंक्ति कह रहे हैं। अब ये हमने इन पंक्तियों और स्तंभों को बहुत गौर से देखा है। अब आपको देखना है कि नींबू का जो पौधा है वो किस जगह पर लगा हुआ है। आप देखिए नींबू को हमने एल से प्रदर्शित किया है और एल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एल के लिए आप देखिए ये स्तंभ धन एक पे है और इसकी पंक्ति कौन सी, यहाँ पर देखिए पंक्ति हमको मिलेगा धन तीन। तो हम नींबू के लिए लिखेंगे कि ये स्तंभ एक में है तो हम कहेंगे धन एक स्तंभ और हम कॉमा लगाकर लिखेंगे इसकी
पंक्ति की संख्या, तो अब देखिए पंक्ति ये धन तीन पंक्ति पर स्थित है, तो इसकी जो जगह है वो स्तंभ एक और पंक्ति तीन में है, तो हम धन एक स्तंभ और पंक्ति में धन तीन पंक्ति लिखेंगे, धन तीन पंक्ति। तो इस तरह से हमने इन स्तंभों और पंक्तियों की मदद से बताया कि इस बगीचे में नींबू का पौधा कहाँ पर लगा हुआ है। अब इसी तरह से आम के पौधे के बारे में देखिए, आम के कितने पौधे हैं ये पहले आप देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आम के लिए यहाँ पर एम लिखा हुआ है और एक एम यहाँ भी है। तो चलिए हम इस पहले वाले आम के पौधे के बारे में देखें कि कौन से स्तंभ और कौन सी पंक्ति में है। तो स्तंभों के लिए हम यहाँ नीचे आए, इसके ठीक नीचे आप देखिए ये ऋण एक स्तंभ पर स्थित है और पंक्ति आप देखिए ये धन दो पंक्ति पर स्थित है। तो आम के लिए हम लिखेंगे कि इसका स्तंभ क्रमांक है ऋण एक, तो हम इसे लिखें ऋण एक स्तंभ और पंक्ति है इसकी धन दो पंक्ति, यहां पर इस तरह से हम लिखें धन दो पंक्ति। इस आम के पौधे की जगह या इसकी लोकेशन ऋण एक स्तंभ और धन दो पंक्ति है। दूसरे वाले आम के बारे में देखिए, दूसरे वाला आम का जो पौधा है वो शून्य पंक्ति पे है और स्तंभ उसका ऋण तीन है, तो आप लिखेंगे ऋण तीन स्तंभ और पंक्ति शून्य। तो ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसे खुद करके देखिए एक बार। और उसके बाद संतरे को हम देखें, संतरा ओ है, तो देखिए यहाँ पर संतरे के भी दो पौधे लगे हुए, एक पौधा यहाँ है और दूसरा पौधा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके लिए आप कह सकते हैं कि स्तंभ दो में है और पंक्ति दो और दोनों धनात्मक है, धन दो स्तंभ और धन दो पंक्ति। तो हम इस संतरे के पौधे की जो जगह है उसे प्रदर्शित करेंगे धन दो स्तंभ और पंक्ति भी इसकी धन दो है, धन दो पंक्ति। दूसरा वाला संतरे का पौधा आप देख रहे हैं कि जीरो स्तंभ या शून्य स्तंभ पर है और उसकी पंक्ति है ऋण दो, तो आप चाहें तो यहां लिख लें या मुझे लगता है इसे आपको खुद को लिखना चाहिए। तो एक उदाहरण आपके सामने हमने इसका रखा, दूसरा उदाहरण आप खुद से करिए। यहां पर साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये जो संतरे का पौधा है वो शून्य स्तंभ पर है और पंक्ति उसकी ऋण दो है, तो पहले आप स्तंभ लिखेंगे उसके बाद फिर पंक्ति लिखेंगे। अब बच गया पपीते का पौधा, पपीते के पौधे को हमने पी से प्रदर्शित किया है। आप देखिए इस पूरे बगीचे में दो जगह पपीते के पौधे प्रदर्शित किए जा रहे हैं, एक पपीते का पौधा यहाँ पर है और दूसरा पपीते का पौधा यहाँ पर है। चलिए एक पपीते के पौधे को उसकी जगह के साथ पहचानते हैं, दूसरा आप खुद करेंगे। हम इस पपीते के बारे में बात करें, ये पौधा है आप देख रहे हैं कि इसका स्तंभ है ऋण चार और इसकी पंक्ति धन एक, तो पपीते के इस पौधे के लिए हम लिखेंगे इसकी जगह बगीचे में ऋण चार स्तंभ पर है और इसकी पंक्ति है धन एक, तो हम लिखेंगे धन एक पंक्ति। दूसरे पपीते के पौधे को आप देख सकते हैं कि ये शून्य पंक्ति है और धन चार स्तंभ पे है, तो पहले हम स्तंभ को लिखते हैं, तो आप इसकी बारे में कह सकते हैं कि ये पपीते का पौधा धन चार स्तंभ पर है और शून्य पंक्ति पर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम दो जानकारियों की मदद से, दो स्तंभों और पंक्तियों के रूप में हैं, किसी समतल में कोई चीज़ किस जगह पर है उसको पहचान सकते हैं, उसकी जगह बता सकते हैं। तो ये आइडिया, ये विचार आपको किसी समतल में किसी बिंदु को खोजने और उसकी जगह बताने में मदद कर सकता है।